दोस्तों कैट एग्जाम को 30 डेज बचे हैं और इस स्टेज पे स्टूडेंट्स एक चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं कि मेरा कैट में, मेरा मॉक कैट में अभी इतना स्कोर आ रहा है तो मेरा एक्चुअल कैट में कितना स्कोर आएगा। एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स मुझे ये सवाल भी पूछते हैं कि सर इस बार 2023 में स्कोर वर्सेज परसेंटाइल क्या रहेंगे, तो वो चीज को मैं यहाँ पे बताऊंगा बेस्ड ऑन द डेटा दैट आई हैव कलेक्टेड। तो ये वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और उसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट टू ईयर्स में स्कोर वर्सेज परसेंटाइल क्या रहे। मैंने अपने रिसेंट एक वीडियो में भी ये डेटा शेयर किया था, बट ये एक अलग वीडियो मैंने बनाया, तो इसमें मैं वापस दिखा देता हूं कि अगर मैं 2022 और 21 को देखता हूं, कैट 21 में थोड़े ज्यादा स्कोर गए थे पर्टिकुलर परसेंटाइल के लिए एज कंपेयर टू 22, क्योंकि 22 में स्टूडेंट्स को पेपर थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट लगा था। तो एक चीज मैं यहां पे कह सकता हूं कि जो कैट 23 का पेपर होगा उसके अंदर, मतलब आप ये मान के चलो कि स्कोर इसी रेंज में रहेंगे। जैसे 99.5 परसेंटाइल के लिए अगर मैं कैट 22 का लेवल पकड़ता हूं तो 92 मार्क्स लगे थे, कैट 21 में आपको ऑलमोस्ट 115 प्लस मार्क्स लगे थे, तो आपका कैट 23 में इसी जोन में आपका स्कोर रहेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कैट 21 से भी इजी पेपर कैट 23 का आ गया या फिर कैट 22 से भी डिफिकल्ट पेपर कैट 23 आ गया, ये नहीं होने वाला, ये आप मान के चल सकते हो। मोस्ट लाइकली मुझे ऐसा लग रहा है कि इट विल बी क्लोज टू कैट 21, मतलब आप ऐसा मान के चल सकते हो कि भाई कैट 21 में जो स्कोर गए थे उतने ही स्कोर इस बार जा सकते हैं। जैसे 99.5 परसेंटाइल के लिए आपको 115 प्लस लगेगा, सिमिलरली 99 परसेंटाइल के लिए आपको 98 प्लस परसेंटाइल लगना चाहिए कैट 23 में, 97 के लिए 85 प्लस, 95 के लिए 70 प्लस एंड सो एंड सो फोर्थ। वर्स्ट केस में अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है तो शायद ये पैटर्न को फॉलो कर सकता है, बट चांसेस ये वाले स्कोर के ज्यादा है। तो हम पूरा कैलकुलेशन ये हायर साइड के स्कोर को लेकर करेंगे ताकि अगर पेपर थोड़ा डिफिकल्ट भी आ जाए और हम वो स्कोर अचीव कर लेते हैं तो हमारे परसेंटाइल जो एक्सपेक्टेड है उससे नीचे ना जाए। अब हम एक चीज देखते हैं कि इसके लिए अटेम्प्ट कितना करना पड़ेगा, ठीक है। सो दोस्तों अगर आप 99 प्लस परसेंटाइल लाना चाहते हो तो आइडियली, या सेक्शन वाइज मैंने एक ब्रेकअप दिखाया है, ऑफ कोर्स इट वेरीज बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, बट एक वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट के लिए जिसका तीनों सेक्शन में ऑलमोस्ट अच्छा परफॉर्मेंस है तो VARC में आप 15 प्लस टारगेट कर सकते हो। DILR में अटेम्प्ट की मैं बात कर रहा हूँ विथ 90% एक्यूरेसी, DILR में अराउंड 10 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हो, क्वाड में 12 एंड स्टिल यू कैन गेट 99 प्लस, ठीक है। अगर सपोज आपका VARC ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप यहाँ पे 15 की जगह पे से 17 वगैरह करते हो तो क्वांट में, और क्वांट अगर आपका वीक एरिया है तो आप 9-10 भी कर लोगे, स्टिल यू कैन अचीव द सिमिलर स्कोर्स, राइट। तो ये आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे वेरी कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको 95 प्लस परसेंटाइल चाहिए, वंस अगेन 90% एक्यूरेसी ऑफ अटेम्प्ट आप 12 VARC में करते हो, DILR में 8 करते हो, क्वांट में 8 करते हो, स्टिल यू कैन अचीव दैट टारगेट। एंड 90% के लिए मैंने यहाँ पे एक आइडियल अटेम्प्ट दिखाया हुआ है। अब बात करते हैं कि अभी के मेरे करंट मॉक टेस्ट स्कोर्स है उससे मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। अब डेफिनेटली आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से आप इम्प्रूव करोगे, लेकिन मैंने जो स्टूडेंट्स का डेटा देखा है लास्ट टू ईयर्स में उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे कुछ आपको फिगर्स दिखाता हूँ। यू कैन डेफिनेटली ट्राई टू अचीव दिस एंड यू कैन ट्राई टू गो बियॉन्ड दैट, राइट। तो हमारे पास अभी 30 डेज बचे हैं यहाँ पे, ओके। सो 30 डेज में हम कितना अचीव कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट अ मोमेंट, राइट। सो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि पहले तो आप जब अपने करंट मॉक स्कोर देखते हो, मतलब जो आज या कल मैंने मॉक लिया उसके स्कोर पे मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, मुझे कम से कम लास्ट 4-5 मॉक का एवरेज निकालना चाहिए। क्योंकि आपने भी देखा होगा आपका कोई मॉक में 100 आता है, किसी में शायद आपका 80 आता है, ऑन एन एवरेज आपका कितना आता है वो देखना है। जो मॉक पे कोई एक मॉक में कम आ गया तो उससे ओवरऑल की आपकी प्रिपरेशन कम नहीं हो जाती है, वो एक इंडिविजुअल मॉक में क्वेश्चन का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा रहता है जिससे आपका शायद स्कोर नीचे गया हो। तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ कि अगर आपके लास्ट 5 मॉक्स में से मोस्ट रिसेंट 5 मॉक में अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं, डेफिनेटली आप उसको 60 से 75 तक लेके जा सकते हो, विच विल गेट यू परसेंटाइल एनीथिंग इन द रेंज ऑफ 90-95 परसेंटाइल। आप उसके ऊपर भी जा सकते हो और वो जाते हुए देखा है, लेकिन जो अगर मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स का डेटा देखता हूँ तो जो एक महीने पहले अराउंड 50 मार्क्स के आसपास मॉक में स्कोर करते वो नॉर्मली 60-75 के रेंज में पहुँचते हैं। तो आप पहले तो ये अचीव करने की कोशिश करो, अगर आप वो अचीव कर लेते हो फिर आप आगे का अचीव करो। 60 मार्क्स अभी आप ला रहे हो तो 75-85 लाने की कोशिश कर सकते हो, विच विल गेट यू अराउंड 96-98 परसेंटाइल।
70 मार्क्स अगर आपके अभी आ रहे हैं, आप उसको 85 to 95 लेके जा सकते हो, विच कैन गेट यू अप टू 99 परसेंटाइल. सिमिलरली जो लोग अभी 80 or 90 परसेंटाइल के जोन में, डेफिनेटली वो लोग और मैक्सिमाइज कर सकते हैं, दे कैन गो बियॉन्ड 99 परसेंटाइल ईजिली ऑफकोर्स, एंड यू कैन ट्राई टू रीच टू 100 परसेंटाइल अप टू योर कैपेबिलिटी, राइट, बेस्ड ऑन योर कैपेबिलिटी. सो येस, दिस विल गिव यू एन आइडिया कि आपको क्या अपना स्कोर पहले सेट करना चाहिए, ठीक है. ये मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऑन एन एवरेज अगर कोई 50 टारगेट कर रहा है, 50 अभी अचीव कर रहा है, और वो सडनली अगर वो यहाँ पे 50 का 100 करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में मैंने कुछ स्टूडेंट्स के साथ भी ये होते हुए देखा है कि क्या होता है कि वो ओवर अटेम्प्ट कर लेते हैं और फिर उसमें उनके गलत ज़्यादा हो जाते हैं. तो दोस्तों ये चीज़ आप कभी भी नहीं चाहोगे. जहाँ पर आप आसानी से 90-95 परसेंटाइल ला सकते थे, जस्ट इमेजिन एक सिनारियो जहाँ पर आप 75-80 परसेंटाइल पर आ गए जस्ट बिकॉज यू ट्राई टू ओवर अटेम्प्ट, ओके, और आपके ज़्यादा गलत हो गए. तो ये चीज़ कभी भी मत करना. मेक श्योर कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहती है, 85-90 परसेंट आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए. अगर आप 90+ परसेंट एक्यूरेसी रखते हो, नथिंग लाइक दैट, ठीक है, बट 85 से नीचे आपकी एक्यूरेसी नहीं जानी चाहिए जब आप अपने अटेम्प्ट्स बढ़ाते हो. तो उस हिसाब से आप आगे टारगेट कर सकते हो. सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपको यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी. मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना. लास्ट में आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप चाहो तो अनअकैडमी का प्लस या आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो यूजिंग माई कोड चार्ट 10. इफ यू आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर्स कैट, देन डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दिस कोर्सेस, यू कैन एक्सप्लोर दैम, एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई माई कोड चार्ट 10 सो दैट यू कैन प्रिपेयर अंडर माई गाइडेंस. कीप लर्निंग विद मी गाइज, एंड सी you in the next video.